म्यूजियम के अंदर आप जितनी चीज़ें देखेंगे, और ये जो कैप्शन है ये इसके रुइंस हैं, ये 1 किलोमीटर से लेकर 7 किलोमीटर तक म्यूजियम के आसपास फैले हुए। इसके ऊपर डिगिंग की है जॉन मार्शल ने 1913 से लेकर 34 का, मंजोदाड़ो, हड़प्पा और टैक्सिला। अभी आप यहाँ पे हैं, ये म्यूजियम है और ये इसका पहला शहर है, फर्स्ट सिटी भी माउंट, जिसके ऊपर अलेक्जेंडर द ग्रेट है। ये सिरिकप है जी। सिरिकप जो है ये एशिया का कैपिटल है, एशिया का पीरियड है 2500 ईयर्स बैक। इससे आगे 4 किलोमीटर के फासले पे ये मोड़ा मरादी लिखा हुआ है जी। ये बैक पे जो स्टूप आप सेंटर में देख रहे हैं ये रियल नहीं है, ये फेक लगा हुआ है। और ये 7 ज़मीनें 7 आसमान है बुद्ध मत के कंसेप्ट में। अच्छा। ये रियल अगर आप देखना चाहें जी। तो मोड़ा मरादू 4 किलोमीटर के फासले। अच्छा। लास्ट पे वो टेढ़ा कैप्शन जोलिया लिखा हुआ है। हाँ जी। जोलिया जो है ये एशिया की कदीम यूनिवर्सिटी है। अच्छा। उस पीरियड में एशिया में 2 यूनिवर्सिटियाँ थी, एक इंडिया में नालंदा, दूसरी यहाँ पे जोलिया। यहाँ पे बुद्धा की तालीम दी जाती थी। ये 7 किलोमीटर के फासले पे, और म्यूजियम की बैक साइड पे 3 किलोमीटर के फासले पे ये धर्मराजी प्लेस है जी। ये अशोक किंग ने बनाई है, अशोका यहाँ का किंग था। तो अशोका ने अपना मजहब चेंज किया हिंदुइज्म से बुद्धिज्म में, वो बुद्धा की ऐशेज यहाँ लेके आया। ये म्यूजियम की बैक साइड पे 3 किलोमीटर के फासले पे, यहाँ से 12 किलोमीटर के फासले पे ये ग्रह हरो है, इसके ऊपर खानपुर डैम बना हुआ है। और ये सरदा के पहाड़ हैं, हरी पर जरा के ठीक है, और ये इस्लामाबाद में है। और बैक पे आप जितनी पिक्चर देखेंगे वो ओरिजिनल है, ये यहाँ से मिली, ये ओरिजिनल। इसे गंदारा आर्ट कहते हैं। ये बुद्धा का लाइफ सीन है, पैदाश से लेकर डेथ तक। अच्छा। ये बुद्धा की मम्मा का ड्रीम है। अच्छा। ये सामने पिक्चर देखेंगे, ये क्वीन माया बुद्धा की मम्मा है, ये सो रही है। अच्छा, मदर ऑफ बुद्धा, मदर ऑफ बुद्धा सो रही है। टॉप्स में देखिए छोटा सा एलिफेंट बना हुआ है। हाँ जी। ये ड्रीम देख रही है। बुक्स में मिलते हैं वाइट एलिफेंट, इनके मजहब में खुशी के लिए। जब सुबह हुई तो इसने अपने शोर को बताया कि मैंने इस तरह ड्रीम देखा है, तो नीचे पामस लोग बुला लिए गए, हाथ की तस्वीर निकाली गई। फिर आगे सिद्धार्थ की पैदाश और गुसल, बुद्धा रियल नेम जो है वो सिद्धार्थ है। ये उसका मैरिज सीन है, घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है, ढोल म्यूजिक वाले लोग हैं, डांसर लोग हैं, उसकी बारात है। शादी के बाद फिर आगे हो। अच्छा। शादी के बाद ये अपने महल में आ गए सिद्धार्थ और उसकी वाइफ यशोदा, अपने महल में बैठे। और ये बुद्धा की तर्क दुनिया है कि अपना बिस्तर छोड़ा, घोड़ा लेके जंगलों की तरफ चला गया। बुक्स में मिलता है घोड़े का नाम कंतक्का था, जब बुद्धा ने घोड़ा छोड़ा तो घोड़ा बुद्धा के पाँव चूम गए। और ये तलवार वाला जो बंदा है, मारा है, मारा बुराई कर देखता है, तबलीग कर रहा है, तलवार वाला बंदा है, इसके मजहब में खड़ा है। और ये बुद्धा का पहला सरम है, धर्म चक्रा, धर्म इनका मजहब है, और चक्रा जिस तरह इंडिया फ्लैग पे व्हील है, इसे व्हील ऑफ लॉ भी कहते हैं। ये बुद्धा की यंग स्टेज है, जब प्रिंस दश बुद्धिसत्व, गले में नेकलेस, पाँव में हवाई चप्पल, पीरियड देखे, आर्ट देखे। ये टेक है, एक शख्स पत्थर मार रहा है, दूसरा रोक रहा है। ये जब बुद्धा बना तो 4 गिलासों में ना नजराना पेश किया गया, पानी दिया गया, सोना चांदी कांसी और पीतल में, बाउल देखे तो 4 है, हाथ में देखे तो 5 है। बुद्धा ने सबको ठुकरा के मट्टी में दिया। और ये मेडिटेशन पोज, पर ये जो इंजन खोल बिछावट कर रहे हैं, ये मोमकी की तरफ से बुद्धा को गिफ्ट है। और बुद्धा के ना 3 पोज प्रे के हैं, आगे देखेंगे ऐसे हाथ है, इसे कहते हैं टीचिंग पोज, ऐसे हाथ है इसे कहते हैं प्रीचिंग पोज, और इस तरह हाथ बांधे हुए हैं उसे मराकबा, मेडिटेशन और योगा भी कहते हैं। हाँ जी, ये बहुत अच्छा है। ये ग्रीक में,
आग जितना भी है ना ग्रीक है, बालों का स्टाइल लिबास ग्रीक है। आपने लाहौर देखा होगा, फास्टम बुद्धा यहाँ पे होता था, फास्टम बुद्धा यहाँ पे होता था, जो लाहौर म्यूजियम में भूखा बुद्धा फास्टम पड़ा हुआ है यहाँ से गया, वहाँ वहाँ से जर्मनी गया नमाइश पे, जब वापस आया तो एक ही डिपार्टमेंट था पर वो लाहौर म्यूजियम में रख दिया, बुद्धा रख दिया फास्टम यहाँ से गया। सबसे वो सबसे कीमती है, सबसे रेयर और कीमती है, जितने भी बने हैं उनमें सबसे वो खूबसूरत है। सर्वास्ती जगह का नाम जहाँ से बुद्धा को लाइट्स भी नहीं नारवान मिला, फिर आगे बुद्धा की डेथ है, फिर आगे आगे उसको जलाया गया और गले में जो नेकलेस है ये जब प्रिंस था शहजादा था और ये जब इसने दुनिया तक पाते सब कुछ छोड़ दिया वो भी, ये पूरी उसकी वो लाइफ्स दिखाया गया और ये स्टोन के ऊपर कार्विंग है, स्टोन नेम सिस्त है, ये स्टोन आज से 2,500 साल पहले दीर और स्वाद से लाते थे, फिर कार्विंग करते थे, फिर क्या पता है ये स्टोन ऊपर तो हो तो वो लोकल मटीरियल पे काम किया, ये स्टक्को है, स्टक्को है चूना और मट्टी क्ले। ये आगे जितने स्टेचू देखेंगे ना ये रियल है, अच्छा और रियल है, जो पीछे उसकी बेस है वो फेक है, आगे जो स्टेचू है वो रियल, ये टीचिंग पॉइंट का स्टाइल है, ये फ्लावर पे कहते हैं लोटस फ्लावर, ये सिटिंग ऑन द लोटस फ्लावर, ये टाइल्स है जिसके ऊपर शॉ किंग बैठ के प्रे करता था, अच्छा सिसिक की धर्माराजी से, इसके ऊपर देखे ना तो ये क्रिस्टल लगा हुआ है, चमक की दांत नजर आती है, ये पिसा हुआ क्रिस्टल है और ये कहना है क्योंकि ऊपर मस्जिद शराब है धर्म चक्र में क्रिश्चियन क्रास है सर्वास्ती का हिंदुज़्म और ये ग्रेट है, ये ओरिजिनल है, ये यहाँ से जो बुद्ध यूनिवर्सिटी जो लिया है ना इसका लिखा नहीं हुआ कहीं, इसका नहीं लिखा हुआ, हाँ जी, तो ये वहाँ से लाई गई जूलियन से बुद्ध यूनिवर्सिटी से, ये जिसको क्या कहेंगे स्टूपा, स्टूपा में एक्चुअली ग्रेव, अच्छा ग्रेव, हाँ जी ग्रेव, स्टूपा इज फ्रॉम जूलियन, Buddha for both people, Buddha death, scaffold, Buddha heads. और यहाँ पे जम स्टोन लगे थे और जो होल नजर आएंगे ये जब ब्रिटिश गए तो निकाल के ले गए, ये मेडिटेशन को, यानी कि इधर इधर स्टोन the whole which you can see in the sculpture they're saying there used to be precious stones in them but when the Britishers left they took them along, ye paon dekhe is pe art dekhe mam mujhe ghar jana hai, to ye bhi uska ye right photo Buddha aur ye picture Buddha smiling face और वो पिक्चर बुद्धा सीरियस थी, थोड़ा सा लिप्स में पकड़ा गया, दिस इज द स्माइलिंग फेस ऑफ बुद्धा एंड दिस इज द सीरियस फेस ऑफ बुद्धा, और ये जो है ये भी ग्रेव्स स्टूपा और ये भी ग्रेव्स सिरिकप कैपिटल है, सिरिकप दिस स्टूपा इज फ्रॉम सिरिकप द कैपिटल ऑफ एशिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर।